अब आपको बोर्डिंग पास के लिए अतिरिक्त शुल्क नहीं देना होगा। जी हाँ, आपको याद होगा अगर आपने वेब चेक इन किया है तो आपको चार्ज नहीं देना होता था, लेकिन अगर आप वेब चेक इन भूल गए हैं, नहीं कर पाए, और जब आप काउंटर पर पहुंचते थे तो आपको डिमांड किए जाते थे पैसे बोर्डिंग पास जनरेट करने के। अब सरकार ने इस पर रोक लगा दिया। उड्डयन मंत्रालय ने संबंध में आदेश जारी कर दिया है। दरअसल कई यात्रियों ने एयरलाइंस के अतिरिक्त चार्ज वसूलने की शिकायत की थी, जिसके बाद सरकार हरकत में आई और यह अहम फैसला सुनाया है। ज्यादा अपडेट दे रहे हैं मेरे सहयोगी अमरीश पांडे, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अमरीश, ये बहुत बड़ी खबर है और अक्सर हम लोगों ने भी इसको व्यक्तिगत रूप से एक्सपीरियंस किया है कि वेब चेक इन नहीं हुई तो आप जब काउंटर पे पहुंचते थे तो अतिरिक्त आपसे अचानक से सरप्राइज के रूप में वो चार्ज की डिमांड की जाती थी। कई लोग चुप हो जाते हैं, लेकिन कुछ लोग हैं जिन्होंने शिकायत पहुंचाई और उस पर अब उचित कार्रवाई हुई है सरकार की ओर से। जी बिल्कुल, ऐसी ही शिकायतों को संज्ञान में लिया था ज्योतिरादित्य सिंधिया ने, जो कि उड्डयन मंत्री हैं, और उन्होंने इस आश्वासन दिया था कि हम इसकी जांच जरूर करेंगे। और उनके मंत्रालय की जांच में ये पाया गया कि इस तरह का जो चार्ज है वो कहीं भी जो एविएशन एक्ट है, एयरलाइन एक्ट है 1937, उसके अंदर कहीं भी इसका प्रावधान नहीं कि इस तरह कोई चार्ज वसूला जा सकता है। और उसी के तहत मंत्रालय ने ये आदेश जारी किया है कि ये जो चार्ज आप ले रहे हैं, जो अतिरिक्त चार्ज है वेब चेकिंग के अलावा बोर्डिंग फिजिकल बोर्डिंग पास देने के लिए, वो चार्ज कतई अवैध है या फिर कहिए तो उसको अनैतिक है। उसमें साफ साफ ये कहा गया निर्देश में कि आप तत्काल प्रभाव से इस तरह के चार्जेस वसूलना बंद करें। हालांकि ये अभी भी ये प्रेरोगेटिव है एयरलाइंस का कि वो किस तरह से इसको हटाते हैं या फिर हटाते हैं या नहीं हटाते हैं, लेकिन प्रथम दृष्टया मंत्रालय ने ये कहा है कि ये चार्ज जो है किसी भी एविएशन के नियम के अनुसार नहीं है और ये पूरी तरीके से गलत है और अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस में ये आएगा जो एविएशन एक्ट है 1937 उसके अनुसार। और ये अगर हम चार्जेस की बात करते हैं तो उसमें जो चार्जेस थे वो लगभग 200 रुपए थे जो कि इंडिगो एयरलाइंस लेता था, इसके अलावा गोफर्स भी लेता था किराया, और 300 रुपए के आसपास विस्तारा इसके लिए चार्ज कर रहा था। तो ये 200 और 300 की चार्जिंग है ये तत्काल प्रभाव से बंद होगी, ऐसा निर्देश एविएशन मंत्रालय ने उड्डयन कंपनीज को दिया है। जी जी, वाकई में, और इसके बारे में क्योंकि इतला नहीं दी जाती थी और जितने भी चार्जेस टिकट बुक करने के समय एक कस्टमर से वसूले जाते थे वो ऑलरेडी वसूले जा चुके होते हैं, कोई ऐसा वार्निंग भी नहीं दिया जाता कि आपसे वहां पर डिमांड किया जाएगा, तो ये पूरी तरह से अनफेयर था और इस पर इसीलिए सरकार ने रोक लगाई है। बहुत बहुत शुक्रिया अमरीश।